हेलो बच्चों, सुप्रभात। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम सेंट थॉमस हाई स्कूल में हुआ। हमने कहाँ तक? ओनम के पार्ट तक कंप्लीट किया था। ओनम दसमा यानी ओनम वो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो शुरू करते हैं श्रुत लेख, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिक्टेशन। चलो ऑनम, पहले डिक्टेशन मतलब ये आपको क्या करना है, घर पे एक बार प्रैक्टिस करनी है लिख कर, ठीक है। ऑनम त्योहार, उत्साह, सुहावना, सम्मान, रंगोली, स्वादिष्ट, आकर्षण, समृद्धि, प्रतियोगिता। ये जो थोड़े हार्ड वर्ड है वो दिए गए हैं, जिसको आप लिखने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, इसलिए आपको एक बार डिक्टेशन और एक बार लिख भी लेना, ठीक है। अब शब्दों का अर्थ समझाइए। उत्साह, जोश, एंथुसियासम। उत्साह, जोश मतलब आपकी कोई फेवरेट चीज़ हो रही है, सपोज आपको कोई इसमें उत्तरायण, ठीक है, तो आपको उसमें उत्साह होगा कि अब अच्छा ठीक है, चलो मेरे को काइट उड़ानी है, वैसा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उत्साह, एंथुसियासम। सो इसमें हिंदी भी आपको अच्छी आ जाएगी और इंग्लिश भी सीखो। उत्साह में क्या बोल उत्साह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंथुसियासम। पराक्रमी, वीर, माइटी, जो बहुत बहादुर होता है, पराक्रम करता है, नए नए, वो उसको क्या बोलते हैं? वीर, माइटी। स्वादिष्ट, बहुत स्वाद वाला, डिलीशियस, बहुत स्वाद वाला, कोई भी आपकी फेवरेट चीज़ ले लो, या फास्ट फूड तो आप सबको पसंद होगा, सो वो कैसा होता है तुमको? डिलीशियस। सो क्या बोलते हैं? स्वादिष्ट हिंदी में। प्रतिभोज, प्रतिभोज दैट इज दावत, फिस्ट। दावत को ऐसे बोलते हैं ना, सब लोगों को खाना खाने के लिए बुलाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? दावत, जैसे प्रतिभोज। प्रमुख, इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट, जैसे इंडिया में दिवाली हमारा इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है, वैसे ही ओणम केरला का है। स्वागत, वेलकम, आई एम टेलिंग ना, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर दैट आई एम डूइंग। स्वागत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? स्वागत। सम्मान मतलब रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना, उसको क्या बोलते हैं? सम्मान। शुभकामनाएं, विशेष, गुड मॉर्निंग कहते हो, हैप्पी बर्थडे, कुछ भी मतलब अच्छी तरह से बोले उसको क्या बोलते हैं? शुभकामनाएं, विशेष, उसको शुभकामना बोलते हैं। नौका दैट इज बोट, जो बोट होती है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नौका। समृद्धि दैट इज प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि यानी कि प्रॉस्पेरिटी, जैसे कि आप कितने समृद्ध, अच्छे पैसे में सब कुछ समृद्ध होता है, इसलिए हमको समृद्धि यूज करता है। जैसे आयोजन, इंतजाम करना, अरेंजमेंट, आयोजन, सब आपकी स्कूल में कोई फंक्शन रखा गया है, क्रिसमस हो, सेलिब्रेशन हो, दिवाली सेलिब्रेशन हो, तो सभी लोगों को अरेंजमेंट करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट ये एक्टिविटी आएगी, उसके बाद ये एंकर आते हैं, कई सारी चीज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? आयोजन। प्रतियोगिता, कंपटीशन, जो आपके कंपटीशन में हो उसको क्या बोलते हैं हम? प्रतियोगिता। सापाकार, सांप के आकार से, हमने उसमें देखा था ना, वो नौका थी, उसको क्या है? सांप के आकार जितनी होती है उसको क्या बोलते हैं? सापाकार। नाविक, जो नाव चलाता है उसको क्या बोलते हैं? नाविक। प्रकृति यानी नेचर। दानवीर दैट इज जनरस, दानवीर है, जनरस है, वो बहुत ही जनरस है, आपको इंग्लिश में बोलते हैं ना ऐसे। पकवान यानी डिशेस। आकर्षण, अट्रैक्शन, आपको कोई चीज़ चाहिए, मतलब कि टॉय चाहिए, तो आपको उसमें अट्रैक्शन होगा कि वो मुझे चाहिए ही चाहिए, आपको जो चीज़ अंदर से पसंद आती है उसको क्या बोलते हैं? आकर्षण। चप्पू दैट इज ओ आर ओ, चप्पू, ठीक है, दिस यू ओनली हैव टू रीड ओनली। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज में। मौखिक स्पीकिंग स्किल, ये सिर्फ आपको बोलना ही है, ओरली ही है, ठीक है। ये आप अगर आप अपनी फेयर बुक में नहीं लिखेंगे तो चलेगा, पर इसमें से एग्जाम में आंसर भी आ सकते हैं, ठीक है, तो सब पढ़ के रखना चाहिए।
फर्स्ट है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ओणम किस राज्य का है? केरला का प्रमुख त्योहार है। ओणम का त्योहार कब मनाया जाता है? ओणम का त्योहार अगस्त से सितंबर के बीच मनाया जाता है। ओणम का त्योहार को और क्या कहते हैं? तो ओणम के त्योहार का हमने पढ़ा था, उसको और क्या कहते हैं? तिरुओणम, उसको कहते हैं तिरुओणम। ओणम का त्योहार कितने दिन तक चलता है? तो ओणम का त्योहार 10 दिन तक चलता है। लिखित ये सिर्फ हम अभी डिस्कस ही करेंगे, फिर बाद में मैं आपको PDF भेज दूंगी, ठीक है? तब ये आपको लिख के रखना है अपनी फेयर नोट में। लोग सावन के देवता और फूलों की देवी की पूजा क्यों करते हैं? सो उसमें आया था ना सावन के देवता को, क्योंकि उसकी फसल अच्छी से खिल उठे, इसलिए वो क्या कहते हैं? सावन के देवता और फूलों की देवी की पूजा करते हैं। राजा महाबली कौन थे? राजा महाबली कौन थे? वो भी हमने पढ़ा है कि वो उसके समय में सब लोग बहुत सुखी से रहते थे, सब लोग खुश और समृद्ध थे, वो राजा महाबली थे। ओणम पर्व के साथ कौन सी कथा जुड़ी है? सो ओणम पर्व के साथ कौन सी कथा जुड़ी है? वो महाबली की हमने पढ़ी थी ना। वो फुलकम क्या है? फुलकम क्या है? वो एक रंगोली है, वो एक बहुत ही बड़ी रंगोली है जिसके बिना ओणम उस दिन सब लोग रंगोली उसके बिना ओणम नहीं, ये मेन मुख्य प्रमुख रंगोली होती है फुलकम, सबसे बड़ी वाली। ओणम का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? सब लोग कैसे करते हैं? फूलों की देवी और सावन के देवता को पूछते हैं, और उसमें गुड़ गुड़ आती है ना, वो खाते हैं। फिर क्या खाते हैं? चावल, चावल और गुड़ की कोई चीज़ बनाते हैं। सो उसके त्यौहार ऐसे मनाया जाता है। ओणम के त्यौहार का मुख्य आकर्षण क्या है? सो ओणम के त्यौहार का मुख्य आकर्षण है नौका, वो होती है ना नौका रेस, प्रतिभा नौका की होती है, वो उसका मुख्य आकर्षण है। सारे लोग उस अलग देश से वहाँ उस प्रतियोगिता को देखने आते हैं, इसलिए वो उसका मुख्य आकर्षण है। ओणम का त्यौहार अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, सही या गलत? सही। ओणम का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है, गलत। ओणम का त्यौहार तो 10 दिन तक मनाया जाता है। राजा महाबली पराक्रमी और दानवीर थे, हाँ ये सही है। ओणम के दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं, ये भी सही है, क्योंकि हम भी दिवाली में पहनते हैं, वो वैसे ही ओणम पे पहनते हैं। नौकाएं सपाकार और चौड़ी होती है, नौकाएं सपाकार होती है ना, हाँ चौड़ी होती है, नहीं नौकाएं तो सपाकार होती है और उसमें से पतली सी होती है, सो इसमें गलत आएगा, ठीक है? देखो पढ़ो और समझो। सुंदर तितली, मोटा लड़का, लाल अनार, खट्टी इमली, 10 रुपए, 5 आम। ये सिर्फ आपको देखना है और आपको डिक्टेशन मीन्स बोलना है जिससे आपकी हिंदी अच्छी हो। चित्रों के नीचे दिए सभी रंगीन शब्द उसे अपने साथ वाले संज्ञा शब्दों के बारे में विशेष बात बता रहे हैं। ये रंगीन शब्द विशेषण है। अच्छा तो विशेषण, अब विशेषण मतलब क्या होता है? हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। आपको बोलते हैं कि वो कार वाइट कार जा रही है, तो वो कार कैसी है? वाइट, तो वो उसका विशेषण कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? विशेषण। और दो तीन एग्जाम्पल लेती हूँ कि लड़का है वो बहुत ही मोटा है, तो लड़का कैसा है? मोटा, वो उसका विशेषण है। इसमें से लेती हूँ खट्टी इमली, इमली कैसी है? खट्टी है, तो उसका विशेषण आएगा। पची आम, आम कितने हैं? 5, तो उसका विशेषण क्या होगा? 5। आप जो भी चीज देखते हो उसमें से विशेषण मतलब उसका मेन मोटिव, सपोज कार जा रही है पर कैसी कार जा रही है, रुपए है कितने हैं, इमली है पर कैसी है, वो सब आता है, उसको क्या बोलते हैं? विशेषण। देखिए अगर नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द ढूंढकर लिखे। पहला,
रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। तो कैसे फूल खिलते हैं इधर? रंग बिरंगे। यह त्योहार 10 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 10। स्वादिष्ट पकवान बनाए जाते हैं। तो पकवान कैसे बनाया जाता है? स्वादिष्ट। तो सब स्वादिष्ट क्या होगा? विशेषण। मैंने नई साइकिल खरीदी। क्या खरीदा आपने? साइकिल। तो उसका विशेषण है। अब है पाठ में से 6 संयुक्त वर्ण वाले शब्द चुनकर लिखे। सो जो संयुक्त वर्ण से वो होते हैं ना, उसको आपको 6 ठूट कर लिखने हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप ट्राई करके सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही लिखना, ठीक है? अब मिलान करो। मैच द फॉलोइंग। उत्साह तो क्या आएगा? एंथुसियासम। स्वादिष्ट तो डिलीशियस, हमने अगर मीनिंग में पढ़ा ना। पराक्रमी माइटी, प्रतियोगिता कंपटीशन, नाविक सेलर। अब है नीचे दिए गए शब्दों की विलोम चुनकर लिखो। चूज एंड राइट द अपोजिट ऑफ द, अपोजिट लिखना है, ठीक है? विलोम मत, यानी कि अपोजिट। नया तो क्या होगा? पुराना। सुखी दुखी, धरती आकाश, आशा निराशा, आगे पीछे विशेष साधारण। सोचो और बोलो। थिंकिंग एंड स्पीकिंग स्किल। आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है, उसके बारे में कक्षा में 5 वाक्य बताओ। अच्छा, तो आपको कौन सा त्योहार अच्छा लगता है, ऐसा आपको बताना है। पर आप कैसे बताओगे? अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है? आप ऐसे ही आपके घर में आपके पेरेंट्स और किसके साथ 5 सेंटेंस बोलना, ठीक है? जिससे आपकी हिंदी भी अच्छी होगी और आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे भी, ठीक है? खेल खेल में। रंगोली में अपने मनपसंद रंग भरो। फिल कलर्स ऑफ योर चॉइस इन द रंगोली। ये भी आपको कंप्लीट करनी है, जो भी कलर आपको पसंद है उसे, ठीक है? सो आज हमने अपना 10वां पार्ट ओनम कंप्लीट किया है, तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको बाद में दूंगी, ठीक है? चलो, अभी हमने डिस्कस तो कर ही लिए, फिर मैं उसकी PDF आपको सेंड कर दूंगी। चलो तो थैंक यू बच्चों, दूसरे लेक्चर में मिलते हैं। बाय।